बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब डिप्टी कमिश्नर जनाई अरफान अली काशिया साहब, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जवाहर चौधरी साहब, तारिक बाद चौधरी एमएलए साहब जो भी तशरीफ ला रहे हैं, और आज की तकरीब के दूसरे मेहमान ग्रामीण शेख शहजाद साहब जो होने वाले से तशरीफ लाए, जब ताहिर साहब तारिकुल्ला साहब अंजुमन तालिबा बिहारी से तशरीफ लाए, मेरे चैंबर्स के ऑफिस मैनेजर अब्दुल रहमान चौधरी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट चौधरी सफर साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर मियां खालिद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और महमूद साहब वाइस प्रेसिडेंट, मैलसी से हमारे दोस्त शाद कादरी साहब तशरीफ लाए, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं हमारे, डॉक्टर जैन साहब, चौधरी अब्दुल रहीम साहब, अरफान साहब, हमारे आसफ चौधरी साहब जो फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मुजफ्फर साहब होने वाले तशरीफ लाए, और हमारी आज की इस महफिल के जो हमने ये अरेंज कराई है जनाब मुर्तजा नूर साहब, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम तशरीफ करते हैं, मैं उनका भी बहुत मशहूर हूँ। खासतौर पर मैं हमारे आज के मेहमान सुशील या डिप्टी कमिश्नर गाड़ी साहब, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट मीटिंग है हमारे साथ चैम्बर में, तो मैं बड़े मुख्तसर सी चैम्बर की तारीख और चैम्बर का किरदार उनके सामने रखना चाह रहा हूँ, बहुत मुख्तसर अंदाज में और मुख्तसर सा टाइम उनके थोड़ा है मीटिंग से उनकी आगे भी। जनाब मेहमान सुशील साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिहारी 2013 में मार्च में वजूद में आया। जनाबे अली डिस्ट्रिक्ट बिहारी जनूबी पंजाब का वो जिला है जो एक पसमानदा जिला गिना जाता है। हमारे पास वसाइल की कमी भी है, हमारे पास बिजनेस नहीं था जिसकी हमें जरूरत, बिजनेस कम्युनिटी को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जिस प्लेटफॉर्म से हम अपनी आवाज को अगवाने वालों तक पहुंचा सके, अपने मसाइल को एक प्लेटफॉर्म से हल कर सके। तो इस सिलसिले में 2013 में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बाजार वजूद में आया। उस वक्त नसरिक बाद साहब ने बहुत साथ दिया इस्लामाबाद में बैठ के, क्योंकि हम यहां से टोटल कार्रवाई बना के उनको भेजते थे, वो रोज हर रोज चक्कर लगाते थे डिजिटल ऑफिस के, ये जस्टिफाई करने के लिए कि बिहारी में एक ऐसे पोजीशन में पहुंच गए कि बिहारी में वो इंडस्ट्रीज जो आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बिहारी वो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी एक तहसील होने वाला है जिसकी एक इंडस्ट्रीज ऑटोस और इंजीनियरिंग की है जो पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। लगे वाला मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री को हमने यहां मौजूद किया, यहां मीटिंग हुई और हमने अपनी प्रेजेंटेशन उनके सामने रखी कि डिस्ट्रिक्ट बिहारी तीसरा बड़ा पाकिस्तान का शहर है कि जिसकी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट हो रही है, और वो उनके रिकॉर्ड उनको मालूम नहीं था और हमने ये डाटा भी उनकी वेबसाइट से पाया। तो इस तरीके से हमने फिर इस पर और कोशिश की, मैलसी से हमने एक्सपोर्ट डिफरेंट चीजों पे एक्सपोर्ट शुरू की, एक लंबी डिटेल है, बिहारी से एक्सपोर्ट शुरू करवाई, पूरे वाले से एक्सपोर्ट में जो स्नातक किए जिसमें हमने अपने एक्सपोर्टर्स की हौसला अफजाई की, वाला हमने ना सिर्फ एक्सपोर्टर की हौसला अफजाई की, हमने अपने एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में हर साल जो एक या दो दफा मुनाकद होती है, एक अच्छी खासी बड़ी चौके से ताल्लुक रखता हो, उसमें जो आला कारकर्दगी करने वाले ना सिर्फ वो बिजनेसमैन हो बल्कि किसी भी इदारे को हम उनको प्रमोट करें, उनको वर्कअप करें, तो उसमें हमने एक्सपोर्ट के लिए आला अवार्ड दिए जो ने बिहारी से बहुत राइस में एक्सपोर्ट की थी, वेजिटेबल्स में एक्सपोर्ट की थी, इंजीनियरिंग में एक्सपोर्ट की थी, कॉप में एम्ब्रॉयडरी में ड्रेसिंग में एक्सपोर्ट की थी, हमने उनको वर्कअप किया, हौसला अफजाई की, और इसके साथ साथ हमने जो हमारे स्टूडेंट्स
बच्चे फारग होते थे तो फर्स्ट टाइम यहाँ खान और साहब यूथ थे, मैं थोड़ी सी लंबी बात कर रहा हूँ, कुछ चीजें जरूरी तौर पर नॉलेज बतानी है, उसके बाद मैं उत्सर करूंगा। वो सेक्रेटरी अफेयर यूथ अफेयर से पंजाब के, तो मुल्तान चैंबर्स में उनकी मीटिंग थी, तो बिहारी की तरफ से मैं बैंकिंग करने के लिए गया, तो बिहारी के हिस्से में सिर्फ 7 बच्चों को इंटर्नशिप का हिस्सा मिला, पूरी डिस्ट्रिक्ट के 7 बच्चे। तो मैं उन्हें उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बिहारी से तलब करते हैं, सेक्रेटरी हैं, तो आप हमें बिहारी में अकोमोडेट करें। खैर वो जब उन्होंने वादा किया अकोमोडेट करूंगा, तो वो पंजाब से निकल के फेडरल में चला गया सारा यूथ का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था। तो अलहमदिल्ला हमने फेडरल में कोशिश की और जो 60 स्टूडेंट्स थे लास्ट टाइम हमने 800 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप चैनल प्लेटफॉर्म से। इसी तरह हमने डॉक्टर्स पे हॉस्पिटल पे वर्क करने की कोशिश की और लास्ट टाइम हमने इवेंट जो है वो ये इसी तरह इवार्ड मोटिव किया, इवार्ड सेरेमनी, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट बिहारी के टॉप 10 डॉक्टर्स थे उनको हमने, यही फंक्शन हुआ डिप्टी कमिश्नर साहब ने हम चीफ लाए दूसरे शहर में, तो उनको भी हमने टॉप 10 बिहारी के डॉक्टर्स थे उनको हमने अवार्ड दिया। इसी तरह आज की ये तकरीब जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, जो डिस्ट्रिक्ट बिहारी के बच्चे, जो अगर हम माजी में चले जाए तो हम वो भी कोशिश कर रहे हैं कि चैंबर के प्लेटफॉर्म से जो हमने अब तक डेटा इकट्ठा किया है, तो डिस्ट्रिक्ट बिहारी से चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर्स, जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स और इस तरह के आधे पदों पर जो कुछ लोग ब्रिगेडियर बेशुमार और डिप्टी कमिश्नर्स, इस तरह और बहुत सारे आधे पदों पर और बिजनेस में जो बिहारी में नहीं है लेकिन दुनिया में अमेरिका में बैठ के टॉप 10 में आ रहे हैं, तो उनको भी जिनका मतलब बिहारी से है हम ये प्लेटफॉर्म पे उनको इकट्ठा करेंगे और उनकी हेल्प लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बिहारी की प्रमोशन के लिए, डिस्ट्रिक्ट बिहारी को तरक्की देने के लिए, डिस्ट्रिक्ट बिहारी की बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए, क्योंकि अगर हमारी इंडस्ट्री और बिजनेस तरक्की कर गया तो कोई शक नहीं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है वो बेरोजगार हैं, उनको इंशाल्लाह रोजगार मिलेगा, सिर्फ रोजगार ही बाचत रोजगार। तो चैंबर्स की ये मकसद थी आपके सामने मैं कावशें रखना चाह रहा था, तो आज की तकरीर भी इन्हीं कावशों का एक आईना है कि डिस्ट्रिक्ट बिहारी की हमारी वो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो परफॉर्म किया है, तो उनको हम आज एक्नॉलेज करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बिहारी की जो एक छोटी सी चैंबर्स के हवाले से एक अक्ष आपके सामने मैं पेश कर रहा था, तो मैं इसके साथ साथ मशहूर हूँ हमारे मीडिया के दोस्तों का भी, जिन्होंने हमेशा चैंबर और डिस्ट्रिक्ट बिहारी की तरक्की के लिए भरपूर चैंबर का साथ दिया और तशरीफ रखते हैं हमारे साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम मैं यूनिवर्सिटीज का, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कम से कम 40 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कंसोर्शियम है, वो भी अपनी यूथ को, क्योंकि इनका तल्लुक डिस्ट्रिक्ट बिहारी से है, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस्लामाबाद में बैठ के तो पूरे पाकिस्तान को अवार्ड देते हैं जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया होता है, तो क्योंकि आपका तल्लुक डिस्ट्रिक्ट बिहारी से है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट बिहारी के वो बच्चे जिन्होंने वो यूथ जिन्होंने नेशनल से इंटरनेशनल पर परफॉर्म किया है, तो हमें उनको इकोनॉमिक शुरू करना चाहिए। ये मेहरबानी इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम के तालुक से डिस्ट्रिक्ट कॉमर्स उसकी प्लेटफॉर्म से आज हम ये अपील करने जा रहे हैं, तो मैं ये हमने इसको नाम दिया है ऑनर ऑफ बिहारी डिस्ट्रिक्ट, ये हमारी ऑनर है कि जो यूथ है इनको अवार्ड इसलिए दे रहे हैं कि हमारी आने वाली यूथ भी जो है वो इनकी कारकर्दगी को सामने रखते हुए उनमें मोटिवेशन पैदा हो, मोटिवेशन स्किल्स उनमें आए कि वो भी इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट बिहारी का नाम इसी तरह से रोशन करें।